व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रेशन वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेजर गौरा सर का क्या कहना है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि कुरान जलाई गई है स्वीडन में। तो क्या है पूरा मामला और किस तरीके से कि पॉइंट ऑफ व्यू सर ने क्या बोला है, देखते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ अभी मैंने पढ़ा टॉपिक तो मेरे को पता लगा इस बारे में, तो अभी देखते हैं सर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर कमेंट करके बताना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 गो। रमेश अगर चोरी करेगा 3 साल के लिए जेल जाएगा, रहमान अगर चोरी करेगा फिर उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये शरिया कानून तो यही है। बुढ़ापे में शरिया और अल्लाह याद आ गए। ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया, वो जायज़ है ना। 2005-2006 में जो रिपोर्ट आई है, वेयर वॉज नरेंद्र मोदी, वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के 2014 को। दूसरे के मजहब की तो बेइज्जती करते हैं और खुद का होता है तब इसको कुछ नहीं मचती। आपने हाया सोफिया का नाम सुना? जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसा क्यों है कि जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को यहां पर शरिया कानून भी चाहिए? आपको इसमें विरोधाभास नहीं लगता? मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? जैसे कि फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला, अच्छा, प्रधानमंत्री ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए क्योंकि एक देश में दो अलग अलग किस्म के विधान, अलग अलग किस्म के कानून नहीं होने चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक राय व्यक्त करी, उनका हक है, ही इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई भारत के नागरिक है। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने राय व्यक्त करी और सरकार ने ऐसा थोपा नहीं कि ये बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में, अब तो यूसीसी होगा ही होगा और किसी भी सूरत में तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बोला कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और सभी पार्टीज कह रही हैं कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। मैंने बोला मैंने पढ़ा नहीं है यार, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ूंगा फिर या सपोर्ट या अपोज करूंगा। वो कागज़ कहाँ पे, वो डॉक्यूमेंट मैंने तो देखा नहीं। और सुनो यार, मैं उन खालिस्तानियों की तरह तो हूँ नहीं, ठीक है, कि कुछ लिखा पढ़ा है नहीं और वहाँ पर हा 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 करके बिल्कुल बावले। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है? इंसान और जानवर में यही फ़र्क होता है कि जानवर डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि जानवर इंटेलिजेंट नहीं होता, जानवर का वो दिमाग नहीं होता, वो एबिलिटी नहीं होती राइट और रॉन्ग के बीच में जज करने की, ठीक है ना। लेकिन जो इंसान है वो पहले पढ़ता है, लिखता है, फिर ही मेक्स अप इज माइंड। सो आई एम वेटिंग, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा, मैं उसको पढ़ूंगा, अगर देश के लिए अच्छा होगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा और देश के लिए अच्छा नहीं होगा फिर मैं वैसे ही अपनी राय व्यक्त करूंगा कि भाई देश के लिए अच्छा नहीं है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ फारूक अब्दुल्ला ने बोला क्या। इनको अभी भी यही लग रहा है कि कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन घूम रहे हैं, ठीक है, ये इनके साथ बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ, फारूक अब्दुल्ला वॉन्ट्स अ बैकलैश इफ यूसीसी इज इंप्लीमेंटेड। फारूक अब्दुल्ला ने बोला भाई आग लग जाएगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही फारूक अब्दुल्ला ने बोला था कि 370-35 से हटा दोगे तो कोई कांधा देने वाला नहीं होगा तिरंगे को और ये करने वाला नहीं होगा। तो ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ठीक है, बड़ा बैकलैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या बैकलैश हो गया? कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि यूसीसी इंप्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो पार्लियामेंट करेगी, गौरवारी थोड़ा ना करेगा, वो पार्लियामेंट करेगी। लेकिन ये देखिए, इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एडवोकेट करा कि यूसीसी होना चाहिए और फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर की देयर वुड बी अ बैकलैश और स्टॉर्म, तूफान आ जाएगा भाई, आंधी आ जाएगी ओ भैया अगर यूसीसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया तो। साहब ये भाई साहब जो है फारूक अब्दुल्ला, ये गए ईद की नमाज पढ़ने के लिए हजरत बल, राइट। अब हजरत बल ये ईद की नमाज पढ़ने गए, बाहर रिपोर्टर थे तो रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया, तो भाई साहब ने बोला कि साहब देखो इस बंदे को ना, मैं बता रहा हूं फारूक अब्दुल्ला को अपनी ऑडियंस का बड़ा, ही इज वेरी अवेयर, जैसे धोनी के बारे में कहते हैं ना मैच अवेयरनेस बड़ी अच्छी धोनी की, इसकी ऑडियंस अवेयरनेस बड़ी अच्छी है फारूक अब्दुल्ला की। ये कहता है आवर कंट्री इज डाइवर्स एंड सो दे शुड रीथिंक द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। इंप्लीमेंटेशन की तो बात ही नहीं हुई, कोई उसका कोई ड्राफ्ट नहीं आया अभी, अभी चर्चा हो रही है उस पे, अभी तो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है, अभी तो बहस है और बहस चलेगी, कई महीनों चलेगी, हो सकता है सालों चले। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर, मुस्लिम्स हैव देयर ओन शरियत लॉ एंड इफ दे यूनियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट यूसीसी देयर वुड बी बैकलैश और पॉसिबल स्टॉर्म, सो दे शुड रीथिंक द कॉन्सिक्वेंसेस। भाई एक बात बताओ, हिंदुस्तान में शरियत लॉ कैसे चल सकता है यार? और क्या शरियत लॉ चलना चाहिए? ये जो जिंदगी भर इन्होंने लंदन में पार्टीज करी और इनकी कहानियां सुन लीजिएगा, ठीक है, कि मोटरसाइकिल में बैठा के किस किस को घुमाया था भाई साहब ने, वोट के चक्कर में, वोट के चक्कर में रोड पे लोगों को गुमराह। पढ़िएगा मीडिया पे, गौरवारिया नहीं कह रहा मैं, तो कौन होता हूँ सब कहने वाला, आप पढ़िएगा।
ये जिन्होंने पूरी रंगरलियाँ मनाई जीवन भर, अब इनको बुढ़ापे में शरिया और अल्लाह याद आ गए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सबका ही इस तरीके से, कभी फारूक अब्दुल्ला साहब और कई मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूँ, मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूँ, कभी ये कहते हैं यार भारत तो संविधान से चलना चाहिए, भारत संविधान से चलना चाहिए, फिर कभी कभी कहते हैं शरिया भी होना चाहिए। भाई साहब सिर्फ मैं एक बात कहता हूँ, शरिया हो नाफिस, ज़रूर नाफिस हो, मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन पूरा होना चाहिए यार, शरिया हो तो पूरा हो, पूरा हो, ये आधा अधूरा शरिया नहीं है, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, और ये आधा अधूरा शरिया नहीं कि हम शादी हमारे हिसाब से होगी, डाइवोर्स हमारे हिसाब से होगा, ये ना ना ना, लेडीज को थोड़ा भुला भाई साहब, ऐसा है कि अगर रमेश चोरी करेगा और 3 साल के लिए जेल जाएगा, रमेश अगर चोरी करेगा 3 साल के लिए जेल जाएगा, रहमान अगर चोरी करेगा फिर उसके दोनों हाथ कटेंगे, ये शरिया कानून तो यही है, चोरी करके अगर झूठ बोलोगे तो हाथ तो कटेगा, जबान भी कटेगी, और चोरी करके भागोगे तो पैर भी कटेंगे, हाथ भी कटेगा, इज इट एक्सेप्टेबल? और यार कई सारे मुस्लिम्स जाते हैं अमेरिका में, रहते हैं आराम से और खुश हैं, खुश, और वहां के कानून लगे ना पूरे, खुश पूरे हैं, इनके कानून थोड़ी चलेंगे, दे आर हैप्पी देयर, एक देश का कानून, तो कोई शरिया कानून नहीं है, सिंगापुर में तो शरिया कानून नहीं है, यूरोप में तो कोई शरिया कानून नहीं है, लेकिन यूरोप का मुझे नहीं पता, किसी भी दिन लागू हो सकता है वहां पे, उन्होंने तो अपना बेड़ा ही गर्क करवा लिया, यहां पे तो शरिया कानून नहीं है, शरिया कानून क्यों चाहिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, या तो आप बोलें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं करते, भारत का संविधान हमें नहीं चाहिए, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, आप भारत के संविधान की भी बात करते हैं, आप सेक्युलरिज्म की भी बात करते हैं, आप कहते हैं सारे धर्म बराबर है, सारे धर्म बराबर कैसे हो सकते हैं जब कानून ही बराबर नहीं है, तो आप एक बात बताइए, आप कुछ करें आपके लिए अलग सजा, मैं कुछ करूं मेरे लिए अलग सजा, ऐसा कैसे हो सकता है यार, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी ना, आप गुनाह करेंगे आपको अलग सजा मिलेगी, ये तो सेक्युलरिज्म नहीं है, सेक्युलरिज्म का मतलब ही बराबर ही होता है, बराबर ही होता है, मैं दिल से कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई 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 वेरी इक्वल, और ये गौरव आर्य नहीं कह रहा, ये भारत का संविधान कहता है, तो यार ये तो दो अलग अलग बातें हैं, एक मैं बात बताना चाहता हूँ ना, एक एक चीज़ मैं पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने नोट्स बनाए हैं, जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ सेकंड, मार्च 2005 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह भारत के, उन्होंने सच्चर कमेटी बैठाई थी, पांच में सच्चर कमेटी रिपोर्ट, यू नो सच्चर कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी, और 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, और पब्लिक डोमेन में आ गई 30 नवंबर को 2006 को, यानी कि साल डेढ़ साल के अंदर सच्चर कमेटी ने, वो जस्टिस सच्चर हुआ करते थे, तो जस्टिस सच्चर को बोला कि आप मुसलमानों का क्या हाल है भारत में उसके बारे में कुछ बताइए, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है भारत में, मुसलमानों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भारत में, और सबसे नीचे तबके में मुसलमान आते हैं, एजुकेशन के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, हर एक सोशल पैरामीटर के हिसाब से मुसलमान जो है भारत का वो सबसे नीचे है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती, मैं नहीं कह रहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतने साल तो मोदी था नहीं ना, 2005-2006 में जो रिपोर्ट आई, समझने वाली बात है, वेयर वाज नरेंद्र मोदी, वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के 2014 को, यानी कि जो पहले पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं फेल हुई ना, और सच्चर कमेटी रिपोर्ट पता है क्या कहती है, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, वो अंग्रेजी में लिखा है, पर अगर सच्चर कमेटी का, जो सच्चर कमेटी ने बोला था कि मुसलमानों के उत्थान के लिए आप कुछ करें, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे दोस्तों, तो हिंदी में पता क्या अनुवाद है उसका, आपको हंसी आएगी, उसका हिंदी में अनुवाद है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, ठीक है, जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है वो बुरा आदमी है, जो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आप जाके देखिए ना, इंटरनेट आप खुद जाके देखिए, ओरिजिनल देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है वहां से देखिए, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत बिलीव करिए आप, तो क्या होगा कि मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे जाने से पहले, दोस्तों ऐसा होता है ना कि मुसलमानों को भारत में जानबूझ के पीछे रखा गया, जानबूझ के पीछे रखा गया, ठीक है, क्या मुसलमान जो माँ बाप हैं वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरी बेटी वकील बने, वो क्या मुसलमान माँ बाप नहीं चाहते ऐसा, बिल्कुल चाहते, फिर हुआ क्यों ये भाई, सब लोग लिबरल थे, सब लोग बहुत अच्छे थे यार नेहरू जी के बाद, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी की, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री थे हमारे, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमें, करनी चाहिए हमें, तो कैसा हो गया यार कि मतलब 2005-2006 आप समझ रहे हैं, यानी कि 50-60 साल के बाद भी आज़ादी के, कितना आप
या अब बताओ कैसे हो गया यार, 5-6 दशक तक क्या मोदी ने क्या बिगाड़ा था, मुसलमान सब जबरदस्ती वाले, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गए, बाकी सब तो सेक्युलर थे भाई। मोदी से तो प्रॉब्लम है कि मोदी गलत काम कर रहा है, मोदी बुरा आदमी है, ये आप यही तो कह रहे हैं लोग, ये सब सब कुछ बुरा मोदी कर रहा है। तो भाई तुम तो अच्छा कर रहे थे, 50 साल तुम क्यों नहीं उठा पाए मुसलमानों को, क्यों नहीं उनको उनका लेवल ऊपर करा, क्योंकि उनको जानबूझ के मुसलमानों के साथ साजिश हुई है। मैं आपको खुल के बोलता हूँ, और किसी को प्रॉब्लम हो तो हो जाए ठीक है, मेजर नहीं डरता किसी के बाप से। मुसलमानों को जानबूझ के पिछड़ा रखा गया है, उनको जानबूझ के नीचे रखा गया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। उनको पढ़ाई नहीं करने दी, उनको बोला कि ठीक है तुम्हारे स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम पढ़ो लिखो कोई मतलब नहीं है, पर हम ठीक है हम तुम्हारा ये कर देंगे ये कर देंगे, जो भी मजहबी चीज़ें हैं जो भी धर्म की चीज़ें हैं उसमें उनको लगा दिया। उनके मौलवी भी वैसे, मौलवी ने बोला हाँ उनके नेता भी वैसे ही हैं, उनके नेता भी वैसे ही हैं। तो ये जानबूझ के उनके नेताओं ने, पुरानी सरकारों ने जानबूझ के पिछड़ा रखा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो जब हम बात करते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की दोस्तों, तो वी मस्ट बी वेरी अवेयर, वो कागज़ आएगा, आप भी पढ़ोगे मैं भी पढ़ूंगा, और उसके बेसिस पे हम सपोर्ट करेंगे ठीक है। तो इस वक्त कहना कि साहब ये हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, जैसे फारूक अब्दुल्ला ड्रामा किंग, ये तो ड्रामा है, बिल्कुल ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। इसने यही बोला था 370-35 से हटने पे कि सोच भी मत लेना, और बारूद के ढेर पे बैठे हो, पता नहीं कौन कौन से हिंदी फिल्मों के डायलॉग इसने मारे, सब झूठ। अच्छा दूसरी चीज है, स्वीडन में यार कुरान को जला दिया एक बंदे ने, सलवान मोमिका था उसका नाम, ये इराकी था जो स्वीडन में रह रहा था, और इसने कुरान शरीफ जला दी, तो काफ़ी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने इनका इसका वो निंदा करी है, और बोला है कि नहीं ये तो बहुत गलत चीज़ है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो एम्बेसी था स्वीडन का बगदाद में, और उसके सामने लोग इकट्ठा हो गए, और वही पत्थरबाजी, वी विल इवेंचुअली टीच द एरोगेंट वेस्टर्नर्स दैट इंसल्टिंग मुस्लिम्स इज नॉट फ्रीडम ऑफ थॉट। तो ये लोगों ने बोला है प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगान, ये भी झूठा आदमी है यार अर्दोगान, ये भी झूठा आदमी है। अबे यूरोप में तू बैठा है, वेस्टर्नर्स को किस, कौन से वेस्टर्नर्स को धमका रहा है ठीक है। और एक मैं बात बता रहा हूँ यार, जिसको प्रॉब्लम है, मैं एक तो एक बंदे ने गलत काम करा, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल, कि आप कुरान को जलाओ या कोई भी होली बुक है उसको जलाना ठीक बात नहीं है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। पर मैं ये भी कहता हूँ ना कि वो सोसाइटीज़ हैं वैसी, वो कल बाइबल जला दें, वो कुछ भी जला दें, उनके लिए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ठीक है, वो लोग ऐसा समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अग्री करता हूँ, ये गलत है, नहीं करना चाहिए, कोई भी पैगंबर कोई भी भगवान किसी को भी आपको इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, भारत का संविधान ने तो हमें यही सिखाया है ठीक है। लेकिन ये अर्दोगान जब बोलता है ना, अर्दोगान जब बोलता है तब मुझे खलती है यार, कि देखो ये ना दूसरे के मजहब की तो बेइज्जती करते हैं, और खुद का होता है तब इसको खुजली बेइज्जती है। आपने हाया सोफिया का नाम सुना है, इसने मस्जिद बना दिया हाया सोफिया को। भाई हाया सोफिया जो था वो पहले चर्च था हाँ, फिर वो म्यूजियम बना, फिर मस्जिद बना, पता नहीं क्या क्या हो गया तुर्की में। इस भाई ने उस चर्च को बना दिया मस्जिद, नेक्स्ट लेवल काम है। एर्दोगान ये कहता है कि मुसलमानों को गुस्सा दिलाना, उनको अपसेट करना, अब हम जो वेस्ट वाले हैं, जो पश्चिम वाले हैं, हम उनको बताएंगे कि इतना आसान नहीं है बेटा, अच्छा तुम कुछ भी करो वो ठीक है। तो जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना अर्दोगान को, ज़रा सोच लो यार, ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया, वो जायज़ है ना, आप किसी का भी कुछ कर दो, मंदिर तोड़ के कुछ बना दो, लेकिन किसी ने करा तो अर्दोगान को बड़ा बुरा लगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बराबर मतलब बराबर होता है, खुद के शॉर्ट ऑफ बराबर नहीं होता है, उसके तो खुद के एक्शन अर्दोगान कह रहा है कि मैं करूं तो ठीक है यार, अगर मैं गिरजाघर को मैं मस्जिद बनाऊं, डन ब्यूटीफुल होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक करा मस्जिद बनाया मैंने, ये दे फोटोज दिखा देना। लेकिन उसने गलत काम करा कुरान, अब हम इनको बताएंगे कि तुमने कुरान, खुद तो अपने घर में ईसाई भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी, इक्वल होना चाहिए वो चीज, तो एक तरफा मत चलाओ। अच्छा आखिरी में एक और चीज है, फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर ने बोला है कि वेरी क्लोज टू IMF बेल आउट, और अगले 24 घंटे में हो जाएगा। मैं IMF वालों से यार एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, आज प्लीज इसको दे के पैसा खत्म करो यार, इस आदमी ने ना भिजा दिया भाई, मेरा मूड खराब हो गया। इशाक डर हर दूसरे तीसरे दिन अब आ रहा है पैसा आ रहा है, बस कोने में है, हाँ बस पटरी पे रहेगा, ट्रेन में है, बस
फाटक पे गुप्ता जी की दुकान के पीछे खड़ा हुआ है बस, फाटक पे रुका हुआ बस आ रहा है। आपने बोला गुप्ता जी की दुकान के पीछे खड़ा, अभी तक क्यों नहीं आया गुप्ता जी की दुकान पे 10 कदम। अरे बीच में शर्मा जी मिल गया यार, बातचीत करने लग गया होगा IMF का लोन वहाँ पे, वो शर्मा जी से बातचीत कर रहा, डोंट वरी आता हूँ। ये हर समय कब से झूठ बोल रहा है। अब यार भगवान, मैं आज प्रे करता हूँ IMF से, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के लिए इनको पैसा देकर खत्म कर। ये रोज रोज यही, अब आ रहा है तब आ रहा है, अब आ रहा है तब आ रहा है, 6 महीने से रोज का रोज ये लेक्चर देता है। अब इनको दे दिला के खत्म करो, ठीक है। और ये हमारे काम आ गया है इस तरीके, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे भाई साहब। ये बढ़िया तलाश में, लेकिन एक चीज है, रिस्पेक्ट, रिलीजन की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। और वो जो चीज़ है वो तो मैं खुद भी बोलता हूँ कि गलत, क्या होली बुक है उनको आप कभी इस तरीके से नहीं कर सकते। आप प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग होता है, लेकिन इस तरीके से प्रोटेस्ट करना नहीं होता। और अगर आपको कुछ चीज़ें, और बाकी जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि हम लॉज में चेंज करते हैं या रिलीजन्स में भी थोड़ा मॉडर्न डे के हिसाब से या फिर आज के वक्त के हिसाब से थोड़ा सा फेरबदल करते हैं, तो वो चीज़ अलग है, लेकिन इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना अलग है। ये चीज़ बिल्कुल, मतलब कि कोई इस चीज़ को किसी ने भी सराहा नहीं है, ये चीज़ गलत करी गई है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी भी रिलीजन में अगर ऐसे कानून है जिससे कि निचला दर्जा दिखाया जाता है किसी एक को, एग्जांपल या औरत को या इंसान को, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए, राइट्स है, ह्यूमन बींग्स एंड ऑफ द डे। और भगवान कभी भी नहीं कहता कि इसको नीचा समझो या उसको ऊँचा समझो। और यही चीज़, यही हमारा संविधान भी कहता है। आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ज़रूर बताना। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सर ने वो चीज़ पॉइंट ऑफ वो बताना, कि जो लोग इस तरीके से भाषण दे रहे हैं, पहले अपने गिरबान में जाके उनने वो खुद बोल दिया कि ये चीज़ बहुत गलत हुई, लेकिन बोला कि अर्दुगन जो हवाबाजी कर रहा है उससे पहले उसने ये नहीं देखा कि वो भाई साहब वो चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर चुका है, म्यूजियम बना के फिर मस्जिद में, वो उनको अपना नहीं दिखता। तो यहाँ पर दोगलापन दिख जाता है इन लोगों का। नो डाउट जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और उसको सब लोग कंडेम कर रहे हैं, लेकिन वो भाई साहब अलग जोन में है। मतलब कि एक बार बता, एक एग्जांपल क्रिकेट पे अगर कोई थोड़ा बहुत वो कर रहा है और विराट कोहली के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा है, तो एटलीस्ट उसने क्रिकेट खेला है, थोड़ा नॉलेज हो, ऐसा थोड़ी बाबा रामदेव उठ के कल विराट कोहली के लिए कहने लग जाएंगे कि ऐसे ऐसे बैट पकड़ना चाहिए, वही वाली बात होती है। और तो वो तो वहां पर तो बहुत ही दोगलापन दिखा वहां पर। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताना। बाकी सर ना हर एक आदमी को लपेट लेता है सही तरीके से। फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से वो कह रहा था, पता है पॉलिटिक्स, एक चीज तो मैं कहूंगा, पॉलिटिशियन ना खेलते बहुत दिमाग से हैं, उनको ये पता है कि क्या नब्ज पकड़नी है हमें उसकी, वोटर्स की, कि वो हमारी तरफ खींचे चले हैं। पाकिस्तान में क्या पकड़ी हुई है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, है ना, या फिर वो कि भारत हमारा दुश्मन है, इतना बोल दो बस, उसके बाद तो लोग आपके लिए अंधभक्त हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ना लोगों को जागरूक होना चाहिए कि हम क्या UCC आएगा उसके बारे में पढ़े, क्या इक्वल राइट्स दे रहा है तो क्या बुरा है। इतना वो बना दिया कि है क्या आप इसमें, ये तो हमारे लिए सही नहीं है, ये आ जाए तूफान आ जाए, बवंडर आ जाए, कौन सा तूफान बवंडर आएगा हम भी देख लेंगे। चलो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।